अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्कोप साइंस एकेडमी में आपको वेलकम कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपका पिछला पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा और इंशाल्लाह अगले पेपर के लिए भी आप तैयार होंगे। अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाए, आपको बहुत अच्छे नंबरों से नवाजे। तो हम अपने आज फिजिक्स के गेस्ट की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं कि फिजिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं और कौन कौन से न्यूमेरिकल्स आपने करने हैं। तो बगैर वक्त जाया किए हम अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं और आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपका कोई भी चैप्टर मिस ना हो। तमाम चैप्टर्स की इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, एक्सटेंसिव क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स आपको पता चल जाए ताकि आप एग्जाम में जाने से पहले उनको रिवाइज कर लें। तो चलते हैं हम अपने गेस्ट की तरफ। सो चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट लेते हैं। पहले हम शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं कि कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसमें हुक्स लॉ है, रिस्टोरिंग फोर्स है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, फ्रिक्वेंसी, टैम्प्ड ऑसिलेशन, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव्स, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, वेवलेंथ, क्रस्ट एंड ट्रफ। इसी तरह से क्रस्ट एंड ट्रफ है, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव है, डायफ्रैक्शन ऑफ वेव। और एक्सटेंसिव क्वेश्चंस जो आएंगे वो हमारे पास होंगे मोशन ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम, मैकेनिकल वेव की टाइप्स, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स वेव, सिंपल पेंडुलम और रिपल टैंक। न्यूमेरिकल्स में आपने तैयार करना है 10.1, 2, 3, 4, 5, 9, 10। इसी तरह से एग्जांपल्स में पहली दो एग्जांपल्स आप तैयार करेंगे। इसके बाद हम आते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 2 में आपने जो चीज़ तैयार करनी है वो आपके पास जो डेफिनेशंस हैं, वेवलेंथ, लाउडनेस, स्पीच क्वालिटी, इंटेंसिटी, इको और रिफ्लेक्शन, म्यूजिक एंड नॉइस, एकॉस्टिक्स, रेबरब्रेशन, ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज, सोनार, यूजेज ऑफ अल्ट्रासाउंड। एक्सटेंसिव क्वेश्चंस जो आपने तैयार करने हैं उसमें आपके पास आ जाता है लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड, इंटेंसिटी लेवल, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्टिक्स और यूजेज ऑफ अल्ट्रासाउंड। और न्यूमेरिकल्स हमारे पास हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठा और नौवां। ये न्यूमेरिकल्स, इसकी एग्जाम्पल्स नहीं करनी, इसके न्यूमेरिकल्स करने हैं। इसके बाद हम आते हैं अगले चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 3, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इसकी जो शॉर्ट के लिए आपने जो तैयारी करनी है वो है रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शंस, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कनकेव कन्वेक्स मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल फोकस, स्फेरिकल मिरर, फोकल लेंथ, पोल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड आइस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन भी और फार्मूला भी, स्नेल्स लॉ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल एंगल, लाइट पाइप, एंडोस्कोप एंड इट्स टाइप्स, पावर ऑफ लेंस, कनकेव कन्वेक्स लेंस, यूजेज ऑफ लेंसेज, रिजॉल्विंग पावर एंड मैग्नीफिकेशन, नियर एंड फार साइडनेस एंड देयर करेक्टनेस। तो फॉर साइडनेस के साथ साथ इसकी करेक्शन भी आप तैयार करेंगे। इसके बाद एक्सटेंसिव क्वेश्चंस में ऑप्टिकल फाइबर्स है, रिफ्रैक्शन थ्रो प्रिज्म है, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, डिफेक्ट्स ऑफ वियंस। न्यूमेरिकल्स करेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, नौवां, दसवां, बारहवां। एग्जाम्पल्स करेंगे आप दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा। चैप्टर नंबर 4, नेक्स्ट चैप्टर है आपके पास चैप्टर नंबर 4, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने जो डेफिनेशंस करनी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्कोप, कॉलम्स ला, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, फेरेड, वोल्ट, यूजेज ऑफ कैपेसिटर और लाइटनिंग। और एक्सटेंसिव क्वेश्चंस इलेक्ट्रोस्कोप है, कॉलम्स ला है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, इसी तरह से पेपर एंड माइका कैपेसिटर, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और न्यूमेरिकल्स में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, नौवां। एग्जांपल्स पहली दो, 13.1 एंड 2। अब आते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की तरफ, अगले चैप्टर नंबर 5 की तरफ। इसमें डेफिनेशंस करनी है इलेक्ट्रिक करंट, एम्पेयर, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, ओमिक नॉन ओमिक कंडक्टर्स, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स, जूल्स लॉ, इलेक्ट्रिक पावर, किलोवाट आर, इसका प्रूफ भी आता है, डायरेक्ट अल्टरनेटिंग करंट, हजार्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डैम्प्ड कंडीशन, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। एक्सटेंसिव में एक ओम्स लॉ है आपके पास, ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स है, मेजरमेंट ऑफ करंट है यूजिंग एमीटर एंड गैल्वेनोमीटर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जूल्स लॉ। न्यूमेरिकल्स आपने जो करने हैं वो आपके पास है पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, दसवां। एग्जांपल आपके पास पहली 3, 6, 7, 8, ये आपने एग्जांपल्स करनी है। चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में
इलेक्ट्रोमैग्नेट की डेफिनेशन है, राइट हैंड रूल है, सोलेनाइड, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, जनरेटर एंड मोटर, फैक्टर अफेक्टिंग मैग्नेटिक फोर्स, डीसी मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, म्यूचुअल इंडक्शन, स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, रिले, लेंजेज ला, इंड्यूस ईएमएफ, आर्मेचर। एक्सटेंसिव क्वेश्चंस में टर्निंग इफेक्ट ऑन करंट कैरिंग कॉइल, मतलब टॉर्क आपने तैयार करना है, डीसी मोटर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, लेंजेज ला, म्यूचुअल इंडक्शन, ट्रांसफार्मर, और इसमें जो आपने न्यूमेरिकल्स करने हैं वो पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा और 15.1 एग्जांपल। चैप्टर नंबर 7 में आते हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर है आपके पास, तो थर्मियोनिक इमिशन, इलेक्ट्रॉन गन, पार्ट्स ऑफ सीआरओ, एलडीआर, यूजेस ऑफ सीआरओ, डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल क्वांटिटीज, एडीसी एंड डीएसी, इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉजिक स्टेट्स, लॉजिक गेट्स एंड और नॉट गेट्स और उनके ट्रूथ टेबल्स। एक्सटेंसिव क्वेश्चंस में आप तैयार करेंगे कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, एनालॉग एंड डिजिटल क्वांटिटीज एंड और नैंड नॉर गेट्स और थर्मियोनिक इमिशन, ये जो पहला टॉपिक है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स की डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी इसमें शामिल होगा। इसी तरह से चैप्टर नंबर 8 में सिर्फ आपने शॉर्ट करना है टेलीकम्युनिकेशन वाला, इसमें न्यूमेरिकल नहीं है और इसमें सिर्फ शॉर्ट करेंगे आप टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डाटा इंफॉर्मेशन, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, फोटोफोन, सेल फोन, फैक्स मशीन, रेडियो वेव, uses of computer, optical fiber, CPU, primary secondary memory, hard disk, uses of internet, web browsing और electronic mail, ये मतलब definitions आपने तैयार करनी है जो इस chapter में से आती है। इसके बाद आते हैं हम अगले chapter की तरफ जो आपके पास है atomic and nuclear physics chapter number 19 last, इसमें जो short के लिए तैयार करना है atomic number and atomic mass, isotopes, natural radioactivity and artificial radioactivity, cosmic radiation, इसमें एक और डेफिनेशन भी आएगी जो है आपके पास बैकग्राउंड रेडिएशन, तो इसमें बैकग्राउंड रेडिएशन भी आप ऐड करेंगे, स्टेबल अनस्टेबल न्यूक्लियाई, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, पेनिट्रेटिंग एबिलिटी एंड आयनाइजेशन, अल्फा बीटा गैमा डीके, हाफ लाइफ अल्फा बीटा गैमा की दो दो प्रॉपर्टीज, ये शार्ट में आ सकते हैं। एक्सटेंसिव क्वेश्चन अल्फा बीटा एंड गैमा डीके तैयार करेंगे एक्सटेंसिव के लिए, हाफ लाइफ तैयार करेंगे, फिशन रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन और न्यूमेरिकल्स में 18.1, 2, 3 और 9 तैयार करेंगे। ये है डियर स्टूडेंट्स आपका फिजिक्स का गेस। डियर स्टूडेंट्स शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स के बाद अब हम आते हैं अपनी ऑब्जेक्टिव की तरफ कि आपने ऑब्जेक्टिव कहाँ से तैयार करनी है। बात इस तरह से है कि जितनी भी ऑब्जेक्टिव है, एक तो वो थ्योरी में से आती है, अनएक्सपेक्टेड होती है, लेकिन थ्योरी के अलावा जहाँ से आपने ऑब्जेक्टिव तैयार करनी है और वो आपकी ऑब्जेक्टिव है जो हर चैप्टर की एंड में जो रिव्यू एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, उर्दू में उसको आधा मशक कहते हैं, रिव्यू एक्सरसाइज या आधा मशकें जो दी हुई हैं, तो उन एक्सरसाइजेस में जो एमसीक्यूज दिए हुए हैं उनको तो आप ज़रूर करेंगे, वो आपके पास कंपल्सरी है, उसको आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। इसके अलावा अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव बुक है तो वहाँ से एमसीक्यूज़ को एक दफ़ा देख लें, या फिर अगर आपके पास कोई 5 ईयर पेपर मौजूद है जिस पर ऑब्जेक्टिव दी हुई है, कोई भी मार्केट में डिफरेंट पेपर्स आपको मिल जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स के पेपर्स मिल जाते हैं, तो उन्हीं में से कोई एक पेपर आप जिसमें 5 ईयर ऑब्जेक्टिव सॉल्व की हुई हो वो आप पेपर्स ले लेंगे और उन एमसीक्यूज़ को आप लाजमन तैयार करेंगे, क्योंकि अक्सर औकात होता ये है कि वो जो बोर्ड में जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो भी रिपीट होते हैं और पिछले 5 ईयर्स वाले एमसीक्यूज़ ही उसमें आ जाते हैं, तो आप लोगों ने एमसीक्यूज़ 5 ईयर लाजमी देख कर जाने हैं, लाजमी तैयार करके जाने हैं। बहुत शुक्रिया, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।